फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के छात्रों ने 139 दिन पुरानी अपनी हड़ताल वापस ले ली है। छात्रों ने साफ किया है कि वे क्लास में तो जाएंगे लेकिन मंत्रालय से किसी तरह की बातचीत नहीं करेंगे। हड़ताल में शामिल छात्रों के एक प्रतिनिधि ने पुणे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे आंदोलन की सफलता ये है कि हम अपनी चिंताओं को आम नागरिकों तक पहुंचा पाए। अब फिल्मकारों, कलाकारों और अन्य लोगों को इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने दिल्ली के टाउन हॉल में IIT के छात्रों को संबोधित किया। यहां जारी कार्यक्रम में जुकरबर्ग ने छात्रों के कई सवालों के जवाब दिए। छात्रों से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि हमारे लिए भारत में बेहतरीन अवसर हैं। भारत में अमेरिका के बाद हमारे सबसे ज्यादा यूजर्स हैं। नेपाल में नया संविधान जारी होने के बाद हुए पहले राष्ट्रपति चुनाव में विद्या भंडारी निर्वाचित हुई हैं। नेपाल में राजशाही खत्म होने के बाद भंडारी दूसरी निर्वाचित राष्ट्रपति हैं, जबकि नया संविधान जारी होने के बाद वे देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। बिहार में तीसरे चरण की पोलिंग हुई। इस दौरान बिहार के बख्तियारपुर के पोलिंग बूथ पर वोटिंग के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम के दावों की तब पोल खुल गई, जब एक बंदर ने आधा दर्जन वोटरों को काट लिया। अब बंदर को पकड़ने के लिए हथियारबंद टीम पहुंची है। बंदर ने 6 लोगों को काटा है जिनमें एक बुजुर्ग महिला भी शामिल है। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज हो रही 50 सीटों की वोटिंग में कई जगहों से वोट प्रभावित करने के लिए मतदाताओं को डराने का मामला सामने आया है। इसी बीच खबर आ रही है कि राघोपुर विधानसभा से राजद प्रत्याशी और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव को लोगों ने मतदान स्थल में खदेड़ दिया। स्थानीय लोगों के हवाले से आरोप है कि तेजस्वी यादव वोट प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। इससे ग्रामीण नाराज होकर उन्होंने तेजस्वी को खदेड़ डाला। भारत सरकार ने छोटा राजन को भारत लाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए केंद्र ने मुंबई पुलिस से डॉन छोटा राजन पर डोजियर मांगा है। उसे भारत लाने की कार्रवाई में 20 दिन से ज्यादा का वक्त लग सकता है। केरल हाउस में समृद्धि रेस्टोरेंट के मेन्यू में 2 दिन लापता रहने के बाद बीफ फिर से शामिल हो गया है। हालांकि इस बार मलयाली भाषा की बजाय अंग्रेजी में लिखा गया है कि मांस भैंस का है। मीडिया की सुर्खियों में रहे बीफ विवाद के बाद यहां खाने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी है। आने वाले ज्यादातर ग्राहक बीफ प्रेमी थे, लिहाजा डिमांड इतनी ज्यादा रही कि थोड़ी देर में ही सारे आइटम सोल्ड आउट हो गए। बाद में आए लोगों को चिकन और फिश करी से ही काम चलाना पड़ा। भारतीय कंपनियों को अफ्रीकी देशों में निवेश के प्रति प्रेरित करते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज कहा कि अफ्रीकी देश कारोबार में वृद्धि करने के लिए प्रचुर संसाधन और अवसर प्रदान करने वाले हैं। सुषमा ने कहा कि अफ्रीका में किया गया भारत का निवेश दोनों पक्षों के लिए लाभदायक होगा। 29 अक्टूबर को क्रिकेटर हरभजन सिंह और एक्ट्रेस गीता बसरा की होने वाली शादी की तैयारियां जोरों पर हैं। मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है। शाम तक कई और क्रिकेटर्स भी यहां पहुंच जाएंगे। इस बीच खबर यह है कि भज्जी और गीता बसरा के दिल्ली में 1 नवंबर को होने वाले रिसेप्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान भी शामिल हो सकते हैं। सलमान खान और सोनम कपूर अभिनीत फिल्म प्रेम रतन धन पायो का नया गाना रिलीज कर दिया गया है। सलमान ने अपने ट्विटर अकाउंट से इस गाने को शेयर किया है। जब तुम चाहो पास आते हो, जब तुम चाहो दूर जाते हो, चलते हमेशा मर्जी तुम्हारी, कहते हो फिर भी प्यार करते हो। मानव ने गलतियां की, थोड़ी थोड़ी सख्तियां की, इश्क में थोड़ी सी मस्तियां की। जब तुम चाहो